हाय एवरीवन, आज जो मैंने लुक करा है ये जाह्नवी कपूर के नेचुरल मेकअप से इंस्पायर्ड है और गर्ल्स के लिए है स्पेशली। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कलर टैटू यूज़ करा है और आप इसकी जगह पर कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको पूरी आईलिड पर और लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। और अब ये शेड लिया है मैंने, और ये मेकअप रेवोल्यूशन का 35 आई शेडो पैलेट है और इसका नाम है इनोवेशन। तो ये बहुत ही लाइट सा बेबी पिंक कलर मैं पूरी आईलिड पर इसको लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी नेचुरल सा लुक है। और अब ये शेड लिया है मैंने और इसको मैं क्रीज में लगाऊंगी बहुत ही हल्का सा आईज़ में डेप्थ देने के लिए। और अब मैंने मस्कारा लगाया है और ये निक्स का है और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये, बहुत ज़्यादा लंबा स्टे करता है। और अभी मेकअप रेवोल्यूशन का प्राइमर मैंने यूज़ करा है और इसको मैं पूरे फेस पर लगा रही हूँ। और अभी मैंने मेबिलिन का फुल कवरेज सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है और इसको मैं बहुत ही हल्का हल्का करके पूरे फेस पर लगा रही हूँ। और इसका ओवरऑल फिनिश बहुत ही अच्छा सा आता है क्योंकि जो भी कुछ आपके अगर ब्लेमिशेस हैं या कुछ भी हैं वो बहुत इजीली इससे हाइड हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, और ये बहुत ही लंबा स्टे भी करता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और अब ये कंसीलर मैंने लिया है और ये निक्स का है। और इसको सेट करने के लिए मैंने ये मेबिलिन का फिट मी पाउडर लिया है। तो इसको मैं अंडर आइज लगा रही हूँ और हल्का हल्का सा मैं फिर पूरे फेस पर ही लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं रखना है, बहुत ही लाइट सा लगाना है जिससे कि ज़्यादा पाउडरी सा फेस ना लगने लगे। और ये भी लाइट ब्राउन सा शेड मैंने लिया था और इसको मैं लोअर लैश लाइन में मैं लगा रही हूँ। उंगली से भी इसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि बिल्कुल नेचुरल सा लगे। और अब मस्कारा मैं लोअर लैशेस में भी लगा रही हूँ और बहुत ही लाइट सी मैं नोज कॉन्चोर कर रही हूँ। और ये पैलेट मैंने निक्स का लिया था और बहुत ही हल्का सा पाउडर मैं कॉन्चोरिंग के ऊपर लगाऊंगी जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट सा लगे। और लिप्स पे मैंने बहुत हल्का सा कंसीलर लगाया था। और ये ब्लश अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का और मैं इसको लगा रही हूँ। और हाइलाइटिंग मैंने किया है अब, और ये स्लीक का हाइलाइटर है, मैं इसको चीक्स पर बहुत हल्का सा, फोरहेड पे, नोज़ पर, क्यूपिड बो पर मैं इसको लगाऊंगी। और क्योंकि फ़ोटो में ऐसा दिख रहा है कि हाइलाइटिंग है थोड़ा सा अच्छे से, बाकी सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है, तो मैंने इसको लगाया है और काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये। और अब ये ब्लश वाला ब्रश मैंने लिया है और इसी से मैं हल्का हल्का सा पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि बिल्कुल नेचुरल सा लगे, बिल्कुल चौकी सा ना लगे कुछ भी। और ये लिपस्टिक मैंने लिया है अब कीको का, और ये बहुत ही अच्छा सा शेड है, एवरीडे में भी इसको लगा सकते हैं। और अब मैंने आई लैशेज यूज़ करे हैं और ये आईलोर की हैं। और एंड में सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाना है जिससे कि मेकअप पूरा दिन आपका सेट करे अच्छे से, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो बस ये लुक कंप्लीट है, बहुत ही इजी नेचुरल
सा ये मेकअप है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।